ओम वक्रतुंड महागाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारिषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। सूर्य का परिवर्तन राशियों में होने जा रहा है और सिंह राशि वालों के लिए परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है, ये हम आज बताने वाले हैं इस चैनल पर, आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ कई बार रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी ज्योतिष की जो कालगणना को देखते हुए, उनके परिवर्तन को, ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए आपके समक्ष हम बहुत सारी वार्ताएं रखते हैं और आपके बहुत सारे सुझाव भी आते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए, सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या करेगा। सूर्य वृषभ राशि में परिवर्तित होकर आ रहे हैं और वो तारीख रहेगी 15 तारीख, 15 मई को 11:58 पर मेष से निकलकर वृषभ राशि में सूर्य परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन दशम भाव में आपके होगा। दशम भाव जो है विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से यश का भाव है, कीर्ति का भाव है, पिता का भाव है और राज्य का भाव है, मान सम्मान का भाव है और कई प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और सूर्य आपके लग्नेश है, और एक बात मानिए, लग्नेश कभी अशुभ नहीं होते। वैसे सूर्य जहां जाते हैं क्रूर ग्रह माने जाते हैं, उस भाव में कुछ ना कुछ हानि पहुंचाने के कार्य कर देते हैं, लेकिन सूर्य आपके लग्नेश होने के कारण से आपकी राशि के स्वामी जो हैं सूर्य हैं, और जिनका लग्न भी सूर्य है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो शुभ ही शुभ है, कल्याण ही कल्याण होने वाला है। यानी हमारे यहाँ लग्न और राशि थोड़ी अलग भी हो सकती है कई बार, आमतौर पर राशि और यदि एक हो जाए तो बहुत ही सुंदर इस वक्त योग आपके लिए बनने वाला है, और जिनका राशि है और लग्न कुछ और है तो उनका लिए प्रभाव अलग अलग प्रकार के रहेंगे। तो उसके लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि क्या क्या है, ये हम जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं राशि को या लग्न के हिसाब से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो जिनका सूर्य विशेष तौर पर राशि सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन दशम भाव में जो हो रहा है वो आपको कई प्रकार से आपकी विद्या के दृष्टिकोण से, आपकी कीर्ति के दृष्टिकोण से लाभ होने के योग दिखाता है। जो लोग राज्य सेवा में है उनके लिए बहुत बढ़िया समय दिखाई देता है और इसमें राष्ट्र के प्रति अच्छे उन्नति के कार्य आप करने में, उसमें इंप्रूवमेंट होने में अच्छा दिखाई देते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर, कृषि की तरफ आपका थोड़ा सा रुझान बढ़ जाए और पराप्रकृति की तरफ, प्रकृति की तरफ यानी नेचर की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ थोड़ा अच्छा सा आपका, थोड़ी क्रिएटिविटी करने का, नया कार्य करने का, अपनी बागवानी को सजाने का, ऐसा कार्य भी इस महीने में आपके द्वारा होता दिखाई दे रहा है। साथ साथ माता पिता दोनों के लिए आपके लिए ग्रह अच्छे हैं इस वक्त, सूर्य का जो परिवर्तन है वो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े से उनके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कष्ट भी होने के योग दिखाई देते हैं। आपके ग्रह, आपको उनका सेवा का प्रभाव अच्छा रहेगा, आपको उनको सेवा का मौका मिलेगा और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से ये प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ ग्रह दिखाई देता है कि ऐसे समय में सूर्य का ये परिवर्तन जो है कला की तरफ, गायन की तरफ, आर्ट की तरफ आपका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है और आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, सुशील रहेगा, थोड़ा सा बुद्धि के द्वारा अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ग्रह को दृष्टिकोण से यदि समझने का प्रयास करें तो अच्छे से आपके जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। और अच्छा चाहते हैं तो कोशिश करें घूमने फिरने का, भ्रमण करने का जो योग बने उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा सा यदि हो सके तो तीर्थ स्थल में अवश्य जाने का प्रयास करें, वहां तीर्थों में स्नान करने का प्रयास करें, उस जल से अपने को अभिमंत्रित कर, जल से विशेष तौर पर स्नान करते हुए उसका लाभ लेंगे तो बहुत बढ़िया। ऐसे समय में जो थोड़ा बहुत ग्रह का अशुभ प्रदेगी परिवर्तन है, अच्छा बुरा दोनों प्रभाव होता है, तो उसका भी लाभ आपको बहुत बढ़िया प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिएगा इस माह में यदि आपको अवसर मिल जाए तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर वहां थोड़ा स्नान भी अवश्य करने का प्रयास करें, ग्रहों का प्रभाव और बढ़िया होगा, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। देखिए ऐसे में मंगल का और शनि का जो विशेष राष्ट्रक योग बन रहा है उसके लिए हमने अलग से आपके लिए वीडियो बना के रखा था। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल इस समय में थोड़ा सा कष्ट में चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से भी वो द्वादशवें भाव में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में वो आपके लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें सेवा भाव अवश्य रखने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने को आप मोटिवेट रखने का प्रयास करें। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पे आपके लिए बहुत शुभ है, वो आपके लिए लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है और ऐसे में हमने जो उपाय बताए हैं उनको भी करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से और लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं और क्रिएटिविटी के अच्छे योग दिखाई देते हैं। और आपका जो मन है, रुझान जो है लेखन में और पढ़ने में और कुछ क्रिएटिविटी, चाहे वो फिलोसफिकल वर्क हो, उसमें अच्छा बढ़ता दिखाई दे रहा है।
साथ साथ धर्म कर्म की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि माता पिता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, वो बहुत जरूरी है। ऐसे में यदि हो सके तो माता पिता के द्वारा एक काम और कर दीजिए, थोड़ा गेहूं का दान करा दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसका दान गेहूं का कराएं, तो वो कल्याणकारी योग बनाएंगे और नित्यपति भगवान सूर्य के निमित्त उनके मंत्र का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले तो बहुत शुभ रहेगा। भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र जो स्तोत्र है वो बड़ा ही कल्याणकारी है, महर्षि अगस्त के द्वारा प्रदत्त है, वो सूर्य विज्ञान के अंतर्गत आता है और उसका जप करके आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य का मंत्र का जप करें, गायत्री का जप कर लें, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथाउचित भाव से यदि जप करते हुए आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, तो इस समय का आपको सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल ये ट्रांजिट हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, आपकी यश कीर्ति और सम्मान में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हैं उनमें थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। हमने उपाय आपको बताए, आशा करते हैं इसके द्वारा आपको अवश्य लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद।